लीनियर अलजेब्रा। तो आइए मैं इस पर फोकस करूं, ये तो यहां से इस पर टच करेगा, अच्छा खासा यहां से टारगेट करेगा। मैथमेटिक्स हो या स्टैटिस्टिक्स हो, एमए है, एमए पेपर है, एक एमएस है, यहां में तो अच्छा खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और यहां पर भी रहेगा। तो यहां से क्वेश्चंस अब कैसा आएगा, बात ये है। तो एमएस की बात करो तो यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछता है तो 99.999999% चांस है कि चार के चार क्वेश्चन मैट्रिक्स से रहेगा, मैट्रिक्स से रहेगा। कहीं से गलती से क्वेश्चन स्लिप हो गया तो वेक्टर स्पेस में चला जाएगा। यदि वेक्टर स्पेस में भी गया ना तो यहां से आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन रहेगा। बेसिक में भी वो कोशिश करेगा, उसकी भरसक कोशिश होगी कि इसको मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट किया जाए। जैसे मैट्रिक्स के साथ वेक्टर स्पेस को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, नॉल स्पेस से, यही है ना, नॉल स्पेस से आपके पास वेक्टर स्पेस से, यही दो चीज है ना, वहां से इसको कनेक्ट कर देगा। रो स्पेस, कॉलम स्पेस, इसके आगे नहीं जाएगा, 100% गारंटी है। यदि इसके बाद भी गया, सपोज दैट गया, तो आपको बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन देगा जिसको आपको केवल अच्छे से कैलकुलेट करके आना है बस। यानी यहां से मिला जुला करके टफ क्वेश्चंस नहीं रहेगा, मैक्सिमम चांस है कि यहां से क्वेश्चंस रहेगा मैट्रिक्स से, चाहे एमए हो या एमएस हो। एमए में एक या दो क्वेश्चन एलटी का दे देगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बस, बाकी इनका भी क्वेश्चन कहां से रहेगा, मैट्रिक्स से रहेगा, वेक्टर स्पेस से इनका अच्छा खासा क्वेश्चन कभी कभी दे देता है। मेन अभी हेडिंग ले लो, डिटरमिनेंट से क्वेश्चंस पहले रैंक से क्वेश्चंस हर साल ऑलमोस्ट आ ही जाता है। इस बार भी मैंने दिया था, एक लड़के ने गलत कर दिया था, रैंक निकालने में उसे गलती हो गई, इतना सिंपल क्वेश्चन। रैंक आएगा तो निकाल देंगे, रैंक के लिए हमें क्या करना है, रो इक्लोन फॉर्म अप्लाई करना है या मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो बनाना है या रो को जीरो बनाना है। अप्लाई करते समय ये तो हो गया, अब हमें किन बातों को ध्यान में रखना है। अप्लाई करते समय मैं आराम से कैलकुलेशन पर ध्यान दूंगा, यानी अप्लाई करते समय हमारा मेन फोकस कैलकुलेशन होगा, क्योंकि वहां पर सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, थ्योरेटिकली इसको कनेक्ट कैसे करेगा, तो लाइन कहा किस किस चीजों से कनेक्ट हुआ है उसको एक बार रिकॉल करो। यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि उसकी रैंक लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ ए स्ट्रिक्टली लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इंप्लाई करेगा, इंप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। एंड इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होगा, देन फिर भी रैंक ऑफ ए क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन ए होगा। अब इसका कनेक्शन कहां से है ये भी सोचो। हाँ, इसमें और भी आप चीजों को एक्सपेंड कर सकते हैं। रैंक ऑफ ए स्ट्रिक्टली लेस देन ए कहने का मतलब कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू वन भी हो सकता है, यदि नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो। देखो, रैंक जीरो मैट्रिक्स का ही जीरो होता है। यदि आपके पास कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक कभी भी जीरो नहीं होगी, स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू वन होगा, यानी लेस देन इक्वल टू वन होगा या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा। यदि नॉन जीरो मैट्रिक्स है तब, यदि जीरो मैट्रिक्स है तो उसी केस में रैंक इक्वल टू जीरो पॉसिबल है, बाकी किसी भी केस में नहीं। तो रैंक ऑफ ए यदि नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो ए नॉन जीरो ले लो। देख रहे हो, इसका भी इंपॉर्टेंस है। मीन्स हर छोटे छोटे पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस, यानी छोटी से छोटे पॉइंट्स को भी आप मिस मत करो, चाहे वो कितना ही स्मॉल क्यों ना, क्योंकि वही आपका आपको एग्जाम में धोखा दे सकता है। आप इस चीजों पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको धोखा दे सकता है।
या इन चीजों पर ध्यान देते हो तो हो सकता है कि क्वेश्चन जो 5 मिनट में होने वाला है 5 सेकंड में कर दो, 5 सेकंड में कर दो, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मान लो कि ऐसा कोई ऑप्शन दिया, क्वेश्चन दिया, जिसमें ये जिक्र ही नहीं किया, मेंशन ही नहीं किया कि एक ऐसा मैट्रिक्स है और 4 ऑप्शन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ए को पहले 0 ले लेंगे, देखेंगे कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। मान लो कि गलती से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो केवल 2 ही ऑप्शन बच गया ना, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना, तो उसके लिए एक नॉन जीरो मैट्रिक्स चूज कर लो, हो गया क्वेश्चन। और नॉन जीरो में भी कैसा चूज करना है, जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट 0 हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, तो ये हो गया, ठीक है। तो यदि ए नॉन जीरो तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो, कहां तक जाएगा, n माइनस 1 तक जाएगा। अब यहां भी इफ एंड ओनली इफ लगा सकता है कि यदि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है देन इंप्लाई रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है इफ 3x3 की मैट्रिक्स है तो, और रैंक क्या क्या कनेक्टिविटी है, रैंक यदि लेस देन होता है, यदि रैंक ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, तो इस केस में क्या होता है, इंप्लाइड डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, ये इफ एंड ओनली इफ होता है, यानी यह दोनों ट्रू, दोनों तरफ से ट्रू है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन होगा तो यह इंप्लाई करेगा कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, यदि ये नॉट इक्वल टू 0 तो ये इंप्लाई करेगा कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, हो गया। ये रिजल्ट्स, यही छोटी छोटी चीजें मिल करके क्वेश्चंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसका और क्या नाम है, इसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी इसका नामकरण क्या किया है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के भी नाम से जाना जाता है, यानी कहीं पर इनडायरेक्टली कह रहा है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं रैंक की जरूरत पड़ रही है, तो आप यह इंप्लाई कर सकते हैं कि अच्छा ये नॉन सिंगुलर है, मींस डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस कि रैंक ऑफ ए क्या है, इक्वल टू एन है, द रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर, आपका डिटरमिनेंट पूछ सकता है। अब डिटरमिनेंट कैसे पूछेगा, बात ये अब तो ऐसा तो देगा नहीं ना कि ये कोई मैट्रिक्स है इसका फाइंड द डिटरमिनेंट, ऐसा पूछेगा लग रहा है, नहीं पूछेगा, ये प्लस टू का क्वेश्चन होगा, पूछ भी सकता है, कभी पूछा है नहीं, 2022 में ही पूछा था ना डिटरमिनेंट, हाँ सर, हाँ पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, तो डिटरमिनेंट भी पूछ सकता है, लेकिन 2022 में पूछ चुका है तो अब वैसे नहीं पूछेगा। इसको किस वे में पूछेगा, इसको आइगन वैल्यू से कनेक्ट करेगा, आइगन वैल्यू से कनेक्ट करेगा। अब आइगन वैल्यू क्या है, तो डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 डॉट डॉट लेमडा, इसमें सभी रूट है, रिपीटेड नॉन रिपीटेड सभी है, n रूट होना चाहिए, n रूट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 1, 2 और 2 रूट आ रहा है और आपसे डिटरमिनेंट पूछ रहा है और आप जो जूस में ये कर दो 1 × 2 = 2, ये गलत हो गया ना, आपको होगा कि 2 ही आइगन वैल्यू आ रहा है 1 और 2। अरे भाई ये भी देखो ना कि ये रिपीटेड है, 2 रिपीटेड है, ये यहाँ पर 2 टाइम्स आएगा, यहाँ पर 2 टाइम्स आएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो ऐसे सोचना है कि आप क्या क्या गलती कर सकते हो, लग रहा है कि हम नहीं करेंगे लेकिन वहां कर सकते हो, तो यदि आप इतना कुछ सोच रहे हो, हमेशा काम कर रहे हो, या वीक में आप 2 दिन भी ऐसे दे रहे हो तो बहुत है, आप चीजों को सीख चुके हो, जितना सीखे हो ना उसमें आपका मिनिमम 60 मार्क्स आ जाएगा, जितना आप सीखे हो उसमें से मिनिमम 60 मार्क्स आ जाएगा, बस आपको उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। इसके बाद ट्रेस आता है ना, यहीं से बतला देता हूं, ट्रेस भी सम ऑफ आइगन वैल्यू, आई इक्वल टू 1 से n तक होगा, ठीक है ना। तो अब डिटरमिनेंट कैसे पूछेगा, तो ये हो गया डिटरमिनेंट। अब क्या डायरेक्ट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछेगा, कम चांस है, तो कैसे कनेक्ट करेगा,
पॉलिनोमियल से कनेक्ट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए वीवीआई, ये आपके लिए वीवीआई कहां से कनेक्ट करेगा, पॉलिनोमियल से। तो ये आप आपको पता होना चाहिए कि यदि एक आइगन वैल्यू यह है, एक आइगन वैल्यू ये है, तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर का आइगन यानी ए टू दी पावर के का आइगन वैल्यू क्या होगा, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, क्या होगा, लेमडा वन टू दी पावर के, लेमडा टू टू दी पावर के, डॉट डॉट लेमडा एन टू दी पावर के, ये ऊपर ऊपर का कॉन्सेप्ट, इसमें डीपनेस है तो उसको हम बाद में देखते हैं। फिर इसका ऑपरेशन जानते हो ना, अब तो याद होगा ना, इसका ऑपरेशन याद होगा, a प्लस के आई या प्लस माइनस के आई का आइगन वैल्यू क्या होगा, आइगन वैल्यू में k ऐड हो जाएगा, यानी लैम्डा 1 प्लस k प्लस माइनस, यदि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डॉट 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 लैम्डा n प्लस माइनस k, ये हो गया। यानी इसका आइगन वैल्यू से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी है, इसका यूज कैसे करेगा, अब पूछ देगा कुछ आपको, ऐसा ऑप्शन क्रिएट कर सकता है, यानी सोचना है कि इसको कैसे पूछेगा। तो मान लो कि कुछ ऑप्शन देगा, एक आइगन वैल्यू मेंशन कर देगा, सपोज कुछ मेंशन कर दिया और कह रहा है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और पॉलिनोमियल टाइप में दे देगा, पी ऑफ ए के फॉर्म में दे देगा, इस टाइप में दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा पी ऑफ ए, एक ऑप्शन दे देगा पी ऑफ पी, P of B, जीरो मत करो, P of Q of A, एक ऑप्शन दे देगा, वन वन कर दो, P2 of A, एक फोर्थ ऑप्शन दे देगा, Q2 of A, इस टाइप से पॉलिनोमियल सेट कर देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है या कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, ये कह दिया। अब आप सोचोगे कि सिंगुलर का कनेक्शन कहां कहां से है, सिंगुलर मींस क्या, डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। तो यदि हमें रैंक पता होते डिटरमिनेंट निकालोगे, लेकिन हमें रैंक पता नहीं चल रहा, क्यों, क्योंकि हमें आइगन वैल्यू दे रखा है, हमें दे रखा है आइगन वैल्यू, हमारे पास आइगन वैल्यूज है। तो जब हमारे पास आइगन वैल्यूज है और इसमें से चेक करना है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो कैसे देखोगे, क्या क्राइटेरिया होगा, कोई बतलाएगा, हाँ, बिल्कुल सही। यदि एक भी ऐसा मिल जाए, P of A का आइगन वैल्यू जीरो मिल जाए, तो हमारा काम बन जाएगा ना, हमारा काम हो जाएगा, यदि इसका क्या हो जाए, इसका आइगन वैल्यू जीरो हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन सपोज है कि कुछ ऐसा दिया कि आइगन वैल्यू निकालना मुश्किल हो रहा है, कुछ ऐसा भी तो दे सकता है, या आप ये भी कह सकते हो कि आप उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लो, प्रोडक्ट के फॉर्म, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हटा, वो थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, तो इसको हम बाद में देख लेंगे, मैं अभी इसी पर आता। तो अब आपको मालूम होना चाहिए ना कि यदि एक आइगन वैल्यू ये है तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, पी ऑफ लेमडा होगा ना, पॉलिनोमियल के केस में, सेम यहां पर q1 ऑफ लैम्डा, सेम यहां पर p2 ऑफ लैम्डा, सेम यहां पर q2 ऑफ लैम्डा, a लिख दिया, चलो लैम्डा हो गया। अब आपका क्वेश्चन सादा, तो क्लिक ही नहीं कर रहा भाई, क्यों नहीं क्लिक कर रहा, क्लिक करना चाहिए ना, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, वन मार्क्स में आएगा, टू मार्क्स में नहीं आएगा, ज्यादा मेहरबानी उसकी होगी तब इसको टू मार्क्स में देगा। यानी क्या कॉन्सेप्ट देगा कि आपको आइगन वैल्यू दे देगा और ऑप्शन चार दे देगा कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, सॉरी कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, या कौन सा फॉल्स है, ये भी कह देगा और डिटर्मिनेंट लगा देगा। तो उस चीज पर आप ध्यान देना, तो ये हो जाएगा। यानी मेन मुझे ये बतलाना था। अब इसका और क्या एप्लीकेशन कर सकता है, अब कुछ ऐसा कर देगा, जैसे ए कोई मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है ना, और मान लो कि ये 3x3 के मैट्रिक्स है, सपोज दैट 3x3 के मैट्रिक्स है, तो इसको ये सेट करेगा किस पर, इस पर कुछ ऐसे सेट करेगा, ए
मैं यहाँ पे a1 बोल देता हूँ, a का पावर 4 प्लस a2 a का पावर 3 प्लस a3 a का पावर स्क्वायर, कुछ ऐसा समथिंग सेट कर देगा, ठीक है, प्लस i या कुछ भी ऐसा, चलो पूरा का पूरा लिख देता हूँ a4 a प्लस, इसका एक नाम दे देगा कि यह मैट्रिक्स p है या m बोल देता। आया है ना ऐसा क्वेश्चन, देखना हमेशा आया, मैंने भी पूछा, मैं जो पूछ रहा हूं वही यहां पर बतला रहा हूं इन जनरल वे में, बाकी कुछ भी नहीं, यानी आपको मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ही बतला रहा हूं, थोड़ा स्टार्टिंग में फॉलो भी करा, चलो कोई नहीं, मैं भी तो पढ़ा नहीं रहा हूं ना, आप पर क्वेश्चंस में लगा तो मेरे भी दिमाग में खिचड़ी पकड़ा है एक तरह से। हाँ आप थोड़ा रिलैक्स होकर के पढ़ाई करो, ठीक है ना, खुश रहो, मैं बार बार कर रहा हूं, और चीजों को आराम से रिकॉल करो, और रोज रात में सोते समय टाइम दो कि आपने पूरे दिन में क्या सीखा, कहां पर मिस्टेक्स किया, टेस्ट दिया तो कैसे मिस्टेक्स किया, वो मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, वो चीजें आपको आ रही थी फिर भी मिस्टेक्स हुआ, क्यों हुआ, उसका रीजन निकालो, जल्दी में थे आप, दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे थे, पिछले स्टेप को देख करके आपने अगला स्टेप नहीं लिखा, यही छोटी छोटी गलतियां होती है ना जिसको आप इग्नोर करते हो और गलती हो जाती है, तो इसको ध्यान दो और उसको इम्प्रूव करो, टेंशन मत लो, इम्प्रूव करो, आप इतना टेस्ट में ले रहा हो ना, यदि आप एक एक टेस्ट दे देते हो तो मिनिमम ऐसे 10 से 15 स्टूडेंट जरूर होंगे जो मिनिमम 70 प्लस करेंगे, मिनिमम 70 लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि इसके बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि हम सब कुछ खंगाल करके तो पूछ लिए, बचा क्या भाई, वहां भी यही सारी चीजें आएगी, और मैक्सिमम 50 प्लस कर जाओगे। हाँ तो मैं यहां पर आता हूं, तो थोड़ा आराम आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, एकदम रिलैक्स रहो, जितना पॉजिटिव सोच सकते उतना पॉजिटिव सोचो, ये समझो कि यदि आज मेरा एग्जाम हो जाए ना तो मैं 50 मार्क्स ला दूंगा, या मुझे अब क्वेश्चंस कोई देता है और उसका मुझे केवल डिफिनेशन मालूम है तो मैं क्वेश्चंस कर दूंगा, क्योंकि आप इतने दिनों से पढ़ रहे हो ना तो आपके अंदर एक मैथमेटिकल टूल्स डेवलप हो चुका है, अब उस टूल्स को इन जनरलाइज करो, जो आपने मैथमेटिकल जो आप क्वेश्चन सीखे है उसको इन जनरलाइज करो, उसको मैथमेटिकल टूल्स में कन्वर्ट करो, कैसे करो, कैसे सोच करके मॉडल करो, क्वेश्चंस का मॉडलिंग करो, सॉल्यूशन का मॉडलिंग करो, ये मैं आपको हमेशा बतलाता हूँ, ये भी एक तरह का मॉडल ही है ना, मैं पार्टिकुलर तो बतला नहीं रहा, आपको एक मॉडल ही बतला रहा हूं, ये तो पार्टिकुलर हो गया। इसके बाद मेन मैथमेटिकल टूल्स क्या है कि जो भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है हमें फुलफिल करना है, कैसे करना है, क्वेश्चंस में जो डेटा है उसका यूज करके इंफॉर्मेशन निकाल के करना है। अब जिस जिस से वो डेटा कनेक्ट हो रहा है, जहां तक जा रहा है, उसके बारे में आपको एक एक चीज मालूम होना चाहिए, उसका एक एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, ये अप्लाइड टाइप का हो गया। थ्योरेटिकली टाइप में आपको एग्जाम्पल अच्छे से सेलेक्ट करने आना चाहिए, क्योंकि आप वहां बैठ करके प्रूफ करोगे नहीं, और प्रूफ करने का टाइम भी नहीं है, या तो छोड़ दो या एग्जाम्पल से करो, प्रूफ नहीं करना है। तो अब देखो ये हो गया, अब कहेगा कि इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, या इसका ट्रेस क्या होगा, या इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ m क्या होगा, या ट्रेस ऑफ m क्या होगा, और भी कुछ पूछ सकता है क्या इसमें, हाँ पूछ सकता है, p इनवर्स m टू द पावर k, p की आइगन वैल्यू क्या होगी, या इसका डिटरमिनेंट, या जो भी है लिमका डिमका पूछ सकता है, इसका ट्रेस पूछ सकता है, इस टाइप से इसको पहले डिफाइन करेगा, फिर इसको और कॉम्प्लेक्स करना होगा, तो इसका कहीं कहीं भी कर दे, क्या दिक्कत है, एम से क्यों डर है, समझो कि एक सिंपल मैट्रिक्स है, तो जब आपको एम का आइगन वैल्यू मालूम है, जब आपको एम का आइगन वैल्यू मालूम है, तो इसका भी आइगन वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगा, एम टू दी पावर के ही ना इक्विवेलेंट होगा, और एम का आइगन वैल्यू क्या है, लेमडा 1k है, लेमडा 2k है, हो गया, यानी इसका और इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, हो गया। अब यह कैसे निकलेगा, बात ये है और हमारे पास ये है, तो आप कैसे करोगे इसको, सिंपल तरीका है ना, मैं अभी अभी बतलाया ना,
क्या होगा, आप ये कर लोगे यदि इसका आइगन वैल्यू ये है। मैं थोड़ा मिटाना पड़ेगा, चलो ठीक, समझ रहे हो ना ये सारी चीजें, ये सारे दिमाग में फिगर बनना चाहिए। अब अभी भी नहीं बना तो यार मेरा इतना मेहनत करने का फायदा क्या हुआ। देखो इस चीज को कैसे कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान देना है आसान चीज, लेकिन वहां ना आने के बाद आपका होश उड़ जाता है, दिक्कत ये है। कहोगे वहां तो कर लूंगा, करके देखना, एक मैं क्वेश्चन दूंगा नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एम का आइगन वैल्यू क्या होगा, इसको एक नाम दे दो, इसका एक नाम दे दो, क्या मैं नाम दे दो, कुछ तो नाम दे दो, चलो पी ऑफ ए नाम दे देता हूं, नहीं पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए का बाबू आइगन वैल्यू क्या होगा, यदि इसका आइगन वैल्यू लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री, थ्री क्रॉस थ्री की बात करें तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, निकाल लोगे ना पुट करके। प्रॉब्लम कहां पर आएगी अब ये मुझे बतलाओ, किस केस में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा इस वेब से यदि आप प्रोसीड करते हो तो। और ये इंपॉर्टेंट ये टर्निंग पॉइंट है, कोई सोच के बतला कि आपको किस केस में प्रॉब्लम हो सकते है। हाँ, कॉम्प्लेक्स या इरेशनल आइगन वैल्यू के केस में ये अप्रोच कब करना आसान है, जब रेशनल रूट है, इरेशनल रूट है तो इजी है ना। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स रूट दे दिया, इरेशनल रूट दे दिया, तो आप इसका बैठ करके पावर निकालते रहो ना, बैठ करके इसका पावर निकालते रहो। देखो सुबह से शाम कैसे होता है, 3 घंटा कब निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। तो है ना टर्निंग पॉइंट, यदि आप केवल ये सोच रहे हो रूम पर और ये बिल्कुल फिल्टर नहीं कर रहे हो कि हमें किस केस में कैसे प्रोसीड करना है। यहां तक तो सही है, ये तो हो गया मॉडल, ये तो सभी जानता है, लेकिन अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करेंगे। यदि इंटीजर या रेशनल रूट आ गया तो ये तो इससे बेस्ट मेथड है ही नहीं, ठीक है। एक ये हो गया, सेकेंड एक और काम कर सकते हो, पॉलिनोमियल वाला भी अप्रोच बहुत बेस्ट होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ना उसका भी अप्रोच बेस्ट होता है। वो यदि आप जो वैल्यू पुट करके कर रहे हो, चलो आप कर लेना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रूट बहुत बड़ा नहीं देता, आपको भी पता है 0, 1, 2, 3, 4 यानी 6 के अंदर ही रहता है, उसके ऊपर नहीं जाता है, प्लस माइनस 6 के बीच में ही रहेगा, उसके बाहर बाई चांस ये मैंने काफी क्रिटिकल केस है कि वो उसके पार जाएगा, तो आप कर सकते हो। पॉलिनोमियल भी बहुत बड़ा देता नहीं है कि बहुत बड़ा बहुत ज्यादा आपके लिए इशू क्रिएट करेगा, यदि वैसा होगा तो हम सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहां से प्रोसीड करते हैं, यदि इरेशनल या कॉम्प्लेक्स रूट दे दिया तो आपको हमेशा हमेशा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का हेल्प लेना है। तो जो भी ये रूट गिवेन है बाबू, इसकी हेल्प से आपको पॉलिनोमियल लिखना है। ये तो सभी जानता है। इसके अलावा यदि रूट रिपीट कर गया तो, यदि मान लो कि लेमडा वन लेमडा टू आपस में इक्वल हो गया तो ऐसे हो जाएगा। किस केस में, लेमडा वन इक्वल टू लेमडा टू के केस में। ये सोचोगे नहीं तो वहां गलत कर दोगे ना, ये सोचना होगा, है छोटी चीज लेकिन सोचना होगा। तो ये हो गया, अब इस ये आपने लिख लिया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा, वहां पर कितना डिग्री का पॉलिनोमियल था, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल था, तो आप क्या करोगे, आप यहां पर क्या करोगे, यहां पर ए को पुट कर दोगे, ए माइनस लेमडा वन आई ए माइनस लेमडा टू आई ए माइनस लेमडा थ्री आई, यही ना। अब आपको 4 डिग्री का पॉलिनोमियल चाहिए तो क्या करोगे, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा। हाँ सर, यस सर।
तो आप बोथ देखो, यदि यदि b इक्वल टू जीरो है, अब आप इसमें किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा, आउटपुट हमेशा जीरो ही आएगा। तो यदि आपको फोर डिग्री का मालूम है तो सबसे बेस्ट है कि इसमें a से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। एक तो ये तरीका है, सेकेंड कभी कभी स्क्वायरिंग करने से आ जाएगा बोथ साइड, कुछ पार्ट को इधर कर दो, कुछ पार्ट को इधर आने दो। और यदि आपको लग रहा है कि पावर, मान लो कि ये क्वाड्रेटिक है, सपोज कुछ देर के लिए मान लो कि क्वाड्रेटिक है और आपको पावर फोर पे पहुंचना है, तब क्या करो, कुछ पार्ट को इधर कर दो, कुछ पार्ट को इधर कर दो और बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, पावर फोर में पहुंच गए, अब उसको एडजस्ट कर दो। कहीं कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। देखो ये मैथमेटिकल टूल्स है जो मैं बतला रहा हूं, यानी हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं कि हमें स्क्वायरिंग करना है कि बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने में हमें कोई हेजिटेशन नहीं है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करो, मल्टीप्लाई करने के बाद मान लो कि आपको ये चाहिए, सपोज दैट मान लो कि हमें ये चाहिए, मान लो कि हमें ये चाहिए, मान लो कि a स्क्वायर प्लस 3 a 4 प्लस 3 a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 3 i चाहिए, सपोज ये आपको चाहिए, और आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल कुछ ऐसा आ गया, ये आपको ये चाहिए, ये आपका m है, ये m है, और आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल कुछ ऐसा आ गया, यहां से जब आपने a से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड तो कुछ ऐसा आ गया, a का पावर 4 प्लस प्लस 3 a क्यू प्लस 3 a क्यू माइनस माइनस 3 a स्क्वायर प्लस प्लस 4 i, सपोज दैट यही आ गया, कुछ देर के लिए मान लो आपने मल्टीप्लाई किया, कहोगे कि सब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब तो i तो मिलेगा नहीं ना, हाँ बिल्कुल सही है, i नहीं मिलेगा, a से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो i मिलेगा, अब हमेशा a मिलेगा ना, तो यहाँ पर a मान लो, मान लो कि यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर i आ रहा है, तो मान लो कि मेरा नहीं आ रहा है, यही यहां से इसका डिटरमिनेंट तब जीरो होगा एक केस में, यदि कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल में कॉन्स्टेंट टर्म या आइडेंटिटी टर्म नहीं है, समेशन या सब्ट्रैक्शन के केस में, तो उस केस में डिटरमिनेंट ऑलवेज जीरो होता है। देखो तो यहां से भी डिटरमिनेंट कनेक्ट हो रहा है, समझ में आया मैं क्या बोला ना, इसको पॉलीनोमियल से कनेक्ट हो रहा है, देखो इसमें कॉन्स्टेंट आइड नहीं है ना, तो इसका x की एक वैल्यू जीरो होगी ना, वैसे ही यदि यहां पर कोई पॉलिन यहां पर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा, यदि कब जब यह कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तब, यदि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नहीं है तो जरूरी नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। और ये पहले ही जीरो हो जाए, यह पॉलिनोमियल हो सकता है ना, ये पहले ही जीरो हो जाए और ये 2x2 का मैट्रिक्स हो या 4x4 का मैट्रिक्स हो, 4x4 का मैट्रिक्स हो तो ये ऐसा जीरो हो सकता है ना, ये पहले ही जीरो हो जाएगा। तो जब ये पहले ही जीरो हो जाएगा तो अब किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो आउटपुट जीरो ही होगा ना, तो क्या उस केस में डिटरमिनेंट होना जरूरी है, नहीं ना, ये बात समझ में आया, मैं क्या क्या गोल गोल घुमा दिया। हाँ सर। अच्छी बात। अब यहां पर एक चीज और है, यदि और डिग्री का होता तो, यदि यह 4 आपने सोचा कि मैं 2x2 या 4x4 ही क्यों लिया, 3x3 या 5x5 मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यदि ये मैं लेता ना तो एक आइगन वैल्यू रियल होगा, इसकी 100% गारंटी है, यानी ये वाला टर्म रहेगा ही रहेगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल में, जब ये वाला टर्म रहेगा इसका मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ऑलवेज जीरो होगा, यानी इवन मैट्रिक्स के सॉरी इवन ऑर्डर के केस में यदि यह कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल नहीं है तो जरूरी नहीं है कि डिटरमिनेंट जीरो होगा। देखो ये नया स्टेटमेंट आ रहा है, यदि यह कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल नहीं है एंड इवन ऑर्डर का मैट्रिक्स है
तो जरूरी नहीं है कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होगा। यदि ऑड ऑर्डर का पॉलिनोम सॉरी यदि आपका ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आपको ऐसा ये पॉलिनोमियल गिवन है, भले कैरेक्टरिस्टिक यह है या नहीं है, यानी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, और आपको बतलाना है कि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का जीरो होगा या नहीं होगा, तो बाबू कम से कम एक रियल रूट मिलेगा ही मिलेगा। और कैले हैमिल्टन थ्योरम यह कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है या उससे पहले भी सेटिस्फाई करता है, उससे कम डिग्री को भी यदि मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है तो हर आइगन वैल्यू का फैक्टर उसमें होगा, जो पॉलिनोमियल होगा उसमें हर आइगन वैल्यू का फैक्टर होगा, एक भी ऐसा आइगन वैल्यू नहीं होगा जिसका उस पॉलिनोमियल में फैक्टर मौजूद नहीं होगा। यदि नहीं होगा तो कभी भी ए पुट करो सॉरी ए यदि पुट करोगे तो कभी भी आउटपुट जीरो नहीं आएगा। यदि मान लो कि लेमडा थ्री आइगन वैल्यू है और ये फैक्टर में हटा दू, ये वाला फैक्टर हटा दू, तो इन दोनों को मैट्रिक्स कभी भी किसी भी हाल में सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आइगन वैल्यू है, भले रिपीटेड है नॉन रिपीटेड है, हर का फैक्टर उसमें होना चाहिए, या जब आप इसको सॉल्व करो ना तो वहां से मैट्रिक्स के सभी आइगन वैल्यूज मिलना चाहिए, हर आइगन वैल्यूज मिलना चाहिए। तो चूंकि ये ऑड है तो इसका एक रियल रूट होगा, जब एक रियल रूट होगा तो रियल रूट वाला केस यही है, ये तो इमेजिनरी रूट वाला केस है। तो इस केस में 100% गारंटी है कि डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा। तो मैं खैर यहां था, मैं भटक गया, तो ये कुछ ऐसा आया। सपोज हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें किस चीज की कमी हो रही है, हमें यह लेने यह लाने के लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि यहाँ ए टू डी पावर 4 होना चाहिए, या जो दोनों है, और यार यहाँ पर ये नहीं, एक काम करता हूं ना, इसको ये बना देता हूं, इसको ये बना देता, तो दो को इधर लाना होगा ना। अरे यहाँ पर 3 आई है, तो एक काम करता हूं, चलो यहाँ पर दोनों साइड 3 आई को एड कर देता हूं। अब मुझे ये बतला कि इसका आइगन वैल्यू निकालना आसान है कि इसका आइगन वैल्यू आसान है, इसको पुट करके इसका ज्यादा आसान है ना, स्क्वायर करना टाइम नहीं लगेगा, तो हो गया सिंप्लीफाई। लेकिन जो ऐसे करेगा ना तो बैठ करके करते ही रह जाएगा, इसका पावर 4 करो, फिर क्यूब करो, फिर स्क्वायर करो, फिर आप कर भी लोगे ना तो 99.99% चांस है कि आप आंसर गलत करके आओगे, कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे, क्योंकि 5-6 पेज आपका भर जाएगा, कौन चीज आप कहां लिखे आपको पता ही नहीं रहेगा। लेकिन ये आपका बहुत शॉर्ट अप्रोच है, यानी यहां से क्या पता चला, यानी क्या मैथमेटिकल मॉडलिंग निकल गया कि जो भी पॉलिनोमियल में मुझे चाहिए उसको मैं एडजस्ट कर दूंगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बोथ साइड, हो गया, क्वेश्चन हो जाएगा। जब आप इतना सोच करके जाओगे और ऐसा क्वेश्चंस आएगा तब टूट पड़ोगे, गलती की भी गुंजाइश नहीं है, ये स्मार्ट अप्रोच हो गया ना एक तरह से, यानी आपने दोनों चीज के लिए सोच लिया, रिपीटेड सॉरी रेशनल रूट के लिए और इरेशनल और कॉम्प्लेक्स रूट के लिए, तब कुछ बचा ही नहीं। अब बात इसमें एक चीज और आती है, चूंकि ये चीजें पॉलिनोमियल से कनेक्टेड है, जिसको और कैसे दे सकता है, तब आपको ध्यान देना होगा कि यदि मैट्रिक्स का एंट्रीज वो है रियल नंबर है, यदि मैट्रिक्स का सारी एंट्रीज रियल नंबर है और आइगन वैल्यू ऐसा दे रहा है, 4x4 की मैट्रिक्स है, यदि आइगन वैल्यू ऐसा दे रहा है कि ये आइगन वैल्यू है, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि चौथा आइगन वैल्यू ये है, ये देगा नहीं, ये देगा ही नहीं, ये तो देगा ही नहीं, सब सब कुछ दे देगा तो आपसे पूछेगा क्या, 5वीं क्लास के बच्चे नहीं हो ना कि सब कुछ दे देगा, ऐसा दे देगा इस टाइप से, और कहेगा कि इसका ना आइगन वैल्यू या डिटरमिनेंट निकालो, कुछ ऐसा दे देगा, कुछ ऐसा दे देगा,
वही जो मैं पीछे लिखा था। अब हो जाएगा, जब ये दे दिया तो यहां से चौथा आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा ये। अब हमें वो लिखना है, क्या कर रहा था, इसका पॉलिनोमियल लिखना है, तो उसमें भी टेक्निक अप्लाई करो। टेक्निक क्या है कि ये चूंकि कंजुगेट है ना, तो एक यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, एक यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना और लिख दो यहां पर डायरेक्ट लिखना है तो 3x, क्योंकि आपको यहां पर वही रूट मिलेगा जो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट निकाले हो ना प्लस 2 में या 10th लेवल में, 10th क्लास में, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे पॉलिनोमियल की बात आएगी सीधे 10th क्लास में पहुंचेगा सीधे, क्योंकि वही चीज है। तो यहां से ये हो गया, और यहां से क्या लिखोगे, यहां से x स्क्वायर माइनस क्या होता है, माइनस सम ऑफ रूट, माइनस सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस 2i 2x, और प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस प्रोडक्ट, तो क्या होगा 2 होगा ना, यहां पर हो गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो यहां से पॉलिनोमियल निकल गया। निकलने के बाद जो चीजें पूछ रहा है लेफ्ट राइट साइड में मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट करके एडजस्ट कर दो, हो गया। यदि रेशनल, ये तो रियल की बात हो गई, रियल की बात हो गई, यदि रेशनल दे दिया, मैट्रिक्स का हर एंट्री रेशनल है और 3x3 की मैट्रिक्स और रूट ऐसा दे रहा है, या कुछ ऐसा दे दिया, कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं है, कुछ भी दे सकता है, भावनाओं को समझ रहे हो, ठीक है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका थर्ड रूट इसका कंजुगेट होगा, किस केस में, और होगा ही होगा ना, अगर सवाल ही नहीं है वो ऐसा देगा ही, ठीक है ना। आप ये यदि सोच रहे हो कि होगा, आप उतना मत सोचो, लिख देना, क्योंकि वो रेशनल देगा, भले आप उसको ध्यान में लाओ या ना लाओ, लेकिन थोड़ा ला दोगे तो आप अंदर से कॉन्फिडेंस में रहोगे कि वाह जो मैंने किया है ना वो 100% सही किया है। तो ऐसे ऐसे घुमा सकता है, ये इसका अप्रोच है, पता चल गया। अब इसको कहीं से कनेक्ट करे कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको कर डालेंगे, चाहे पॉलिनोमियल देने के बाद उसको इससे कनेक्ट करे, कहीं से भी कनेक्ट करे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पी मालूम हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका 99.999999% चांस है, या 100% कर दूंगा, चलो मैं 100% बोलता हूं, 100% आपका यहां से क्वेश्चन रहेगा, एमए में भी रहेगा और एमएस में भी रहेगा, रहेगा ही रहेगा। अब चीजों को एडजॉइंट, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अभी मैं आइगन स्पेस पर नहीं आता हूँ, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा कैलकुलेटिंग वाली चीजें देख ले, अब क्या बचता है, कुछ तो दिमाग में आया था मेरा, टारगेट और स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू को बता दीजिए, ठीक। यदि आप सभी रोज को ऐड करते हो और वो सेम आता है, लार्जेस्ट होगा स्मॉलेस्ट नहीं होगा, स्मॉलेस्ट के केस में निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यदि सभी रोज का सम आपस में इक्वल आता है तो वो आइगन वैल्यू होगा ही होगा और वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। ओके सर, और स्मॉलेस्ट क्या क्या होगा सर? स्मॉलेस्ट आपको निकालना होगा। ओके सर, एक चीज और, यदि सभी एंट्री सेम है, सभी एंट्री सेम है, सभी एंट्री सेम है, सभी एंट्री सेम है, फोर्थ क्रॉस फोर ले लो, सभी एंट्री सेम है। तो जब सभी एंट्री सेम है ना, तो एक आइगन वैल्यू कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गया एक आइगन वैल्यू, बाकी आइगन वैल्यू 0 होगा, ये ध्यान देना, बाकी का आइगन वैल्यू 0 होगा। और इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसा होगा, एम
8 होगा, ये ध्यान देना, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा। यानी कहने का मतलब कि 8 की एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 1 होगी, और 0 की एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी n-1 होगी। यदि 5x5 की मैट्रिक्स होती तो यहाँ पर 4 होता, यदि 6x6 की मैट्रिक्स होता तो यहाँ पर 5 होता, यदि 10x10 का मैट्रिक्स होता तो यहाँ पर 9 होता, यदि 2023x3 की मैट्रिक्स होता तो यहाँ पर 2022 होता, और ये फिक्स रहेगा हमेशा। ये हो गया। अब इसका अप्लीकेशन भी करा सकता है। कैसे अप्लीकेशन करा सकता है? जैसे किसी ने ग्रुप में पूछा था, अरे भाई सोचो कि उसको कैसे घुमा सकता है। अब इस पर डायगोनल इंट्रीज पे कुछ ऐड कर देगा और सारे इंट्रीज सेम है, सारे इंट्रीज सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख लेना। हो गया। अब एक आइगन वैल्यू निकल गया, क्योंकि जैसे आओगे ना यहां से तो 100% गारंटी कि ए इस फॉर्मेट में आएगा, भले यहां 1-1 आ जाए, 2-2 आ जाए, 3-3 आ जाए, समथिंग कुछ भी आ जाए। तो ये एक आइगन वैल्यू कितना हो गया, मान लो कि 11x23x23 का मैट्रिक्स है, सपोज दैट इतना का है, तो एक आइगन वैल्यू कितना आ गया, यदि सारी इंटीज 1-1 है तो कितना आ गया, ये आ गया ना, और सारे के सारे आइगन वैल्यूज क्या हो गए, 0, और यहां पर ये है, चलो इसको 2022 कर दो, मैं 2023 आंसर लाना चाहता हूं, ठीक है ना, ये हो गया। तो क्या हो गया आइगन वैल्यू, और यहां पर ये आ रहा है लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। हाँ सर। अब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, हो गया। अब आप तो इतना क्रॉस इतना का मैट्रिक्स एग्जाम में बैठ करके डिटरमिनेंट निकालोगे, नहीं निकालोगे ना। यदि वो पूछा है तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ यहाँ पे टेक्निकल अप्रोच है, उस चीज को पकड़ना है। यदि आप कैच कर लिए तो आपसे क्वेश्चन हो गया, तो अच्छा क्वेश्चन बना दिया। ए नहीं, ए ये वाला, इसका नाम बी दे दो, डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब सही है ना? Yes. हो गया। तो मैं कुछ बतला रहा था, चलो यही बतला रहा था, आने के लिए तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही है। क्या क्या फिर से बोलिए। रैंक के साथ आइगन वैल्यू को कनेक्ट कैसे करें? शायद वो कनेक्ट करना मुश्किल है, ठीक है ना? सर ऐसा एक क्वेश्चन आया था रैंक के साथ आइगन वैल्यू का, आपने पूछा टेस्ट में? ओ मैंने ही पूछा है। ओके, तो हम कैसे कर सकते हैं यार रैंक के साथ, यदि रैंक ऑफ ए, यदि मान लो कि यदि एक भी आइगन वैल्यू जीरोज नहीं है तो रैंक तो यही हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। यदि एक आइगन वैल्यू जीरो है तो अब रैंक कुछ भी हो सकता है ना, कहना तो मुश्किल है ना। यदि एक आइगन वैल्यू कि मैट्रिक्स का आर नॉन जीरो आइगन वैल्यू है और उसका रैंक कितना होगा, फिर नॉन जीरो ज्यादा होगा, इन क्रॉस इन का इन से ज्यादा होगा कि इन से लेस होगा कि इक्वल होगा, ऐसा ये मैं क्लास में डिस्कस कराया था ना, याद है किसी को? सब भूल गए? ये मैं क्लास में कराया था यार, कहाँ सो रहे हो, सब में करा दिया हूँ। ये ना बोल रहे हो कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट लैम्डा आर आइगन वैल्यू है। हाँ सर। और पूछा था कि रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन आर होगा, रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू आर होगा, यही ना? हाँ, तो इसको तो निकाला था ना, मैं मैट्रिक्स से कंपेयर किया था शायद 2x2 से, मैं करा के भूल जाता हूँ। अब दोबारा पूछोगे ना तो करना ना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं ना मेरा ध्यान सॉल्यूशन पे जाता है कि अब क्या सॉल्यूशन होगा, मीन्स पिछले बार कैसे किया था, तो शायद कुछ एग्जांपल से ही किया था ना। बोलो भाई, कोई एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करके
हाँ मैं ऑप्शन को एलिमिनेट किया था, सही कह रहे। तो मैं कैसे एग्जांपल कनेक्ट किया था, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, याद आया? मैं लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का केस लिया था, आप केस लेना, देखना आपसे हो जाएगा। हाँ तो मैं कुछ और करा रहा था ना, मीन्स राइन का ना वैसे कोई कनेक्शन, मीन्स वही डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो वगैरह, ठीक है ना, और बाकी आप एग्जाम्पल्स से रिलेट करके कर सकते हैं। और आइडमपोटेंट मैट्रिक्स ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसका प्रॉपर्टी होता है ना कि जो ट्रेस होता है ना रैंक ऑफ ए के इक्वल होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना, ये आइडमपोटेंट के केस में है क्यों और बाकी कहीं नहीं, ये ध्यान रखना। और एक ये प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का ट्रेस इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी होता है, ये भी ध्यान रखना। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन कहीं आया था, ये हमें प्रूफ करना था, और ए आइडेंपोटेंट था, जब ए आइडेंपोटेंट होगा तो यह भी आइडेंपोटेंट होगा, यदि ये आइडेंपोटेंट होगा तो ये भी आइडेंपोटेंट होगा, तो वही ट्रेस वाला अप्लाई कर दो, इसको ट्रेस से रिप्लेस कर दो, और दोनों को ऐड करोगे तो ट्रेस ऑफ आई बचेगा ना, और ट्रेस ऑफ आई क्या हो गया, एन हो गया। जॉइंट पर ए जॉइंट वाली भी प्रॉपर्टी याद रखना, इसको मिक्स कर सकता है, ए कोई मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है, उसका आइगन वैल्यू देखो, आपको भरसक कोशिश करेगा ना, भरसक कोशिश करेगा कि वो आपको गोल गोल घुमाए, चीजों को कनेक्ट, यानी डायरेक्ट कुछ भी पूछने की कोशिश नहीं करेगा, वो चाहेगा कि एक चेन बनाए और आप वहां तक चेन के लास्ट कड़ी तक पहुंचो और उस इंफॉर्मेशन को लाओ और क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सबकी यही कोशिश होती है, चाहे मैं क्वेश्चन अभी क्वेश्चंस जो जितने भी है ना, ये 2022 के क्वेश्चंस है जो मैं पिछले बार टेस्ट लिया था, और उसको मैं फुल लेंथ में कन्वर्ट करके ले रहा हूँ। पिछले बार मैं फुल लेंथ में केवल चार ही टेस्ट लिया था प्रॉपर वे में, केवल तीन प्रॉपर वे में टेस्ट हुआ था IIT जैम के पैटर्न पर, और बाकी के 23 मेरे पास ऐसे टेस्ट है जो मींस असिमेट्रिक है, सिमेट्रिक वे में नहीं है, किसी में मैथ का क्वेश्चन ज्यादा है, किसी में स्टैट्स के क्वेश्चन ज्यादा है, किसी में इंटीग्रेशन ज्यादा है, किसी में सीक्वेंस ज्यादा है, और यही मैंने टेस्ट लिया था, आपका सिमेट्रिक वे में बहुत सारा टेस्ट हुआ, तो जितने वो में शायद मैं सारे क्वेश्चन यूज ना कर पाऊ, तो आपका बाद में उसका भी गूगल फॉर्म पे टेस्ट होगा, वो पोर्टल पर नहीं होगा, क्योंकि पोर्टल पर अपलोड करने में कंफ्यूजन है, तीन तीन सेक्शन है ना, तो वहां वो चीजें नहीं हो पाती। तो खैर मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आइगन वैल्यू दे देगा, ठीक है, और कहेगा कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ, पहले एडजॉइंट ऑफ ए ले, ठीक है ना, ये तो निकालना आसान है, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स ए, ये सब ध्यान देना, इसका डिटरमिनेंट पूछ सकता है, यानी यहाँ पर कोई भी कुछ भी मल्टीप्लाई करते आपको निकालना आना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 1/2 टाइम्स ए का डिटरमिनेंट, ऐसा भी दे सकता, यानी ये कितना भी दूर लेकर के चला जाए आपसे होना चाहिए। अब ये मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लीकेशन है, तो जब मैट्रिक्स में हम स्केलर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ईच टर्म में मल्टीप्लाई होता है, जैसे आप उस पर डिटरमिनेंट अप्लाई करोगे तो ईच रो या कॉलम से वो के बाहर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, के टू डी पावर एन टाइम्स बाहर आएगा, उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसको अप्लाई करना, तो अप्लाई करते समय आपको ये मालूम है तो आप क्या करो, इसको बी से रिप्लेस कर दो, कि माना कि ये बी हो गया, टोटल बी ले लो, हो गया बी का क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट यही ना, एन माइनस वन, सही है। अब बी क्या है, ये है, इसको यहां पर पुट कर दो, पुट करोगे तो देखो टू डिटरमिनेंट, देखो टू टाइम डिटरमिनेंट ये अलग है, टू टाइम ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है,
इसका मतलब कि डिटरमिनेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब कि मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे देन डिटरमिनेंट निकाल रहे, तो जब ये 2 बाहर आएगा तो 2 टू द पावर n के साथ बाहर आएगा और 2 टू द पावर n से डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो ये माइनर मिस्टेक है जो आप कर सकते हो, तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना ये हो जाएगा। ये तो हो गया। इसमें एक और चीज याद आ रही है मुझे जिसको थ्योरेटिकली पूछ सकता है, कैसे कि यदि रैंक ऑफ ए लेस देन एन है तो मैं स्टार्ट करता हूं, यदि रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन है, मैं एन से स्टार्ट करता हूं, तो ए ज्वाइंट का भी जो बाबू रैंक होगा ना वो क्या होगा, एन होगा। एक ये है, यदि रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन माइनस वन है तो जो ए ज्वाइंट का रैंक होगा ना क्या होगा, कोई बतलाएगा इसका रैंक क्या होगा? इसका रैंक वन होगा। यदि रैंक ऑफ ए जो है स्ट्रिक्टली लेस देन एन माइनस वन हो जाए तो इसका रैंक, ये इसका रैंक क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, ये जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी रैंक क्या हो जाएगा, जीरो ना। हाँ सर, है ना कमाल की चीज। तब गूगल भी कर लेना, यदि रैंक ऑफ ए जो है स्ट्रिक्टली लेस देन एन माइनस वन है तो ए ज्वाइंट का रैंक क्या होगा। इसके बाद सेकेंड लाइन में ये है ना, रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन माइनस वन है तो ए ज्वाइंट ऑफ ए जीरो मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन एन इक्वल टू एन है तो एडजॉइंट ऑफ ए का भी रैंक जो होगा ना वो एन हो जाएगा और इसका भी रैंक, इसका रैंक वन हो जाएगा। हो गया सर? यस। और ये तो जीरो हो गया तो रैंक भी क्या हो जाएगा, आज मैं उधर विश्वविद्यालय की तरफ गया था घूमने के लिए देखने के लिए कि कैसे क्या करना है। चलो ठीक हो गया, ये वाला सेक्शन हो गया आपका, ठीक है ना। और भी चीजें कभी बाद में दोबारा रिवीजन करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आपका 100% क्वेश्चन एक फिक्स है, आएगा ही आएगा, ना का सवाल ही नहीं। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक तो थ्योरी बेस आएगा, थ्योरी या रिजल्ट बेस, और एक आएगा एप्लीकेशन टाइप। दोनों तो आएगा नहीं, कभी कभी दोनों भी दे सकता है या दोनों में से कोई एक। यदि एप्लीकेशन टाइप आएगा तो ये तो बहुत इजी हो गया। इसमें क्या पूछेगा, इसमें पैरामीटर की वैल्यू पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर सच दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का रिलेशन यूनिक सॉल्यूशन से है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन से। एक आएगा इनकंसिस्टेंट, इसका रिलेशन केवल और केवल नो सॉल्यूशन से। तो ऐसे आपको चीजों को कनेक्ट करने आना चाहिए, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखो चीजें कैसे डिवाइड देखते हो ना, जब इसकी जरूरत पड़ती है इसको मॉडलिंग कहते हैं। मेन उसके पार्ट, सब पार्ट, सब पार्ट का सब पार्ट, सब पार्ट का सब पार्ट, ऐसे आप चेन बना। ये मेन चीज हो गया, इसको आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ दो बक्सा बना, यहाँ आप दो बक्सा बना, ऐसे बक्सा बना बना करके भी अपना चेन बना सकते हैं। देखो चेन बन रहा है, मैं ऐसा करता था, मैं काफी कुछ करता था, बहुत सारी चीजें दिमाग से स्लिप हो गई है। मैं ये सब टेक्निक अप्लाई किया हूँ, सब कुछ अप्लाई किया, यानी हर जब हमारे पास टाइम है तो कोई भी वे बचना नहीं चाहिए, हर वे को ट्राई करना है, कोई ना कोई तो टकराएगा वहां पर।
दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर इसको जितने पार्ट में हुआ इसको पार्ट में डिवाइड किया, फिर ये चार पार्ट में हुआ तो इसको चार पार्ट में डिवाइड किया, फिर इसको नीचे की तरफ खींचो। तो यहां तक तो आप मेजर टॉपिक में रहोगे। देखो ये मेजर टॉपिक थोड़ा इसका अब थोड़ा दूर गया, ये थोड़ा दूर गया, अब ये थोड़ा और दूर जा रहा है टॉपिक से, थोड़ा मेन डिफिनेशन थोड़ा और दूर जा रहा है। तो ये क्या होगा, ऐसे बढ़ोगे बढ़ोगे तो ये सारे टॉपिक्स को इसके अंदर क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा। ये आपको पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ आपस में कनेक्ट हो गया। अब यहां पर सोचो ये फेल होगा तो ये सोचेंगे, इसमें ये फेल हो गया तो ये सोचेंगे, ये फेल हो गया तो ये सोचेंगे, ये फेल हो गया मतलब कोई ना कोई तो पास हो ही जाएगा। तो ये तो पहले मेजर हो गया, मेजर हो गया। देखिए यह वे है सोचने का, चौथा वे ऐसे भी हो सकता है कि आप यहां से चलो, ये फेल हुआ तो ये फेल हुआ, ये होता है ना। हम धीरे कभी कभी हम डिफिनेशन की तरफ भी जाते हैं ना, ऐसा भी तो सिचुएशन आता है सारे रिजल्ट फेल हो जाते हैं तो हम डिफिनेशन की तरफ जाते हैं। ऐसा आपने क्वेश्चन देखा भी है, ऐसा है नहीं कि आपने ऐसे ही बना दिया। फिर ये फेल हो गया यानी हम अब इस पर आएंगे, ये भी फेल हो गया तो इधर शिफ्ट करेंगे तो क्वेश्चन जाएगा कहाँ, इसमें से कहोगे सर यही करते रहेंगे। अरे भाई रूम पर करने के लिए कर रहा हूँ, एग्जाम में जाओगे तो इसी में से कोई एक रहेगा, देखते ही आपको पता चलेगा कि अच्छा यह नहीं ये अप्लाई करना है, डायरेक्ट आपको पता चलेगा। करके नहीं जाओगे तो आप बैठ करके सोचना कि अप्लाई होगा, दो मिनट के क्वेश्चन में 10 मिनट देना, 15 मिनट देना। हाँ तो ऐसे ये इजी टाइप। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के में क्या क्या केसेज है। डिटरमिनेंट यदि एक वेरिएबल है, यदि सिंगल वेरिएबल है तो हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट की बात करेंगे। एलएचएस में क्या है, यदि एक्स इक्वल टू बी, बी क्या है हमें उसे कुछ भी मतलब नहीं है। किस केस में, एक पैरामीटर के केस में, यदि उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे इधर कुछ भी हो चाहे इधर कुछ भी, इसमें पूरा का पूरा पैरामीटर ही क्यों ना हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसमें यदि एक पैरामीटर है या दो ही पैरामीटर है, बशर्ते कि इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो गया तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन देगा। यदि गलती से डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो उस केस में दो पॉसिबिलिटी है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो उस केस में इसका रोल हो जाता है, उस केस में अब इसका रोल होगा। कैसे कैसे रोल होगा, तो x इक्वल टू b यदि इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया, जो भी a और b की वैल्यू है उसके लिए, तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हैं, रैंक के थ्रू प्रोसीड करते हैं। रैंक कैसे, हम इसको इसमें चेंज करेंगे। अब आप इतना सोच करके जाओगे और क्वेश्चंस आएगा तो आप डायरेक्ट यहां पर पहुंचोगे ना, हो गया। अब अप्लाई कैसे करते हैं ये सोचो, अब अंदर के प्रोसेस के बारे में सोचो। तो आप कोशिश करो कि हर दिन आप मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिमाग में करो बिना पेन टच किए, हमेशा पेन ही मत चलाओ। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि हर रोज मिनिमम 10 to 15 से 20 या 10 to 15 भी करते हो ना, तो अभी भी 60 days है ना, कितना डेज है, मैं ज्यादा बोल दिया क्या, 10, 20, 20, 50, अरे यार अभी तो बहुत ही ना, 60 days है, सही में बोला हूँ 60 days के आसपास, अभी भी आपके पास 60 days है। यदि आप हर रोज 10 questions भी दिमाग में सॉल्व कर रहे हो डिफरेंट कंसेप्ट का, तो कितना हो जाएगा एग्जाम जाते जाते, 600 हो जाएगा ना, 600 कंसेप्ट भी नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, जैसे आप 100 questions का सॉल्यूशन करके 101वां पर पहुंचेंगे, फिर से वही कंसेप्ट साइकिल में रिपीट होगा, रिपीट होगा, रिपीट होगा, रिपीट। आप कोशिश करो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस दिमाग में आप सॉल्व हो, पेन से आपने कर लिया और दिमाग से भी एक बार करो, बाकी तो पेन चलाने के लिए मैं टेस्ट ले ही रहा हूं। आपका बहुत ज्यादा टेस्ट होने वाला है इस वीक में, मीन्स अगले के अगले वीक में दुनिया भर के टेस्ट होंगे,
वही पुराने टेस्ट खत्म करना है सारे के सारे जल्दी से। हाँ तो ये आप रैंक निकालेंगे। अब यहाँ पर सोचना है कि यदि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी आ गया तो ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस। तो देख लो उसके लिए ए और बी की पैरामीटर की क्या वैल्यू है। पैरामीटर की वैल्यू कैसे निकालोगे, या तो आप डायरेक्ट सोच लो या ऑप्शन में जो वैल्यू है उसको पुट करके देख लो, दोनों में से हो जाएगा। सेकेंड सेकेंड या फर्स्ट सेकेंड अप्रोच क्या है, रेशियो निकालो, रू ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो लास्ट में बच रहा है नॉन जीरो एलिमेंट का रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालने के बाद देखो कि जीरो कैसे हो रहा है, यानी रेशियो आपस में इक्वल ए बी की किस वैल्यू के लिए हो रहा है या ए की किस वैल्यू के लिए हो रहा है, ऐसा आप सोचो। हाँ वन पैरामीटर में आप ये भी ध्यान देना कि कहीं गलती से क्वाड्रेटिक बन गया तो ए की उस पैरामीटर की दो दो वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको सावधान रहना है कि जो डिटरमिनेंट निकालोगे वो ए में लीनियर फॉर्म में आएगा कि ए के क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये सारी कहानी स्क्वायर मैट्रिक्स का चल रही है, यदि आपस में इक्वल नहीं हुआ तो कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हमेशा नो सॉल्यूशन मिलेगा, हमेशा नो सॉल्यूशन। और रैंक के केस में यदि रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल हो गया तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहा और रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ पैरामीटर है या नंबर ऑफ वेरिएबल है तो उस केस में सॉल्यूशन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, यूनिक भी मिल सकता है इनफाइनाइट, सॉरी या तो यूनिक मिलेगा या फिर नो मिलेगा। किस केस में, यदि रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन हो जाए, रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल कह लो, रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए और मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उस केस में या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या फिर नो सॉल्यूशन मिलेगा। ये मैं पिछले ही क्लास में डिस्कस किया था ना, याद है? Yes, तो याद भी होना चाहिए ये सारी चीजें, ये आप सोच लेना, ठीक है ना। नॉन स्क्वायर के केस में क्या होगा, स्क्वायर के केस में क्या होगा, तो बस मैं आपको वही बतला रहा हूँ क्वेश्चंस का पैटर्न। इसमें एक आ, यदि ए सिंगुलर मैट्रिक्स है और ए एक्स इक्वल टू सी नो सॉल्यूशन रख रहा है, या इन जनरल बोलो ए एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स है और ए एक्स जो है आपका रैंक ऑफ ए जो है नंबर ऑफ पैरामीटर या नंबर ऑफ वेरिएबल शब्द होता, नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है, कॉलम होता है ना yes, हाँ एम हो गया। तो इस केस में ए एक्स इक्वल टू सी, यानी एक ऐसा आपको सी मिल जाएगा जिसके लिए ये नो सॉल्यूशन रखेगा और एक ऐसा सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा। ये एम और एन आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है ना। आपको ऐसा मिल जाएगा यदि लेस देन नंबर ऑफ पैरामीटर है तो आपको ऐसा मिल जाएगा सी जिसके लिए कभी नो सॉल्यूशन रखेगा कभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। कोई भी सर एग्जांपल वैसे लेस देन इक्वल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 देखो तो नो सॉल्यूशन का केस हो गया। कहोगे सर यहां तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 हो गया, नहीं 3 है ना, हाँ लेस देन है, चलो ठीक। इस केस में नो सॉल्यूशन होगा ना, क्योंकि रैंक ऑफ ए क्या है, नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी है। यदि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होगा तो हमेशा नो सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो चाहे एम ग्रेटर हो एन ग्रेटर हो कोई मतलब नहीं। तो थोड़ा थ्योरेटिकली टाइप का क्वेश्चन हो गया,
ये थ्योरेटिकली टाइप में आएगा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे देगा कि आपको इस सारे एग्जांपल से रिलेट करना होगा, ठीक है। और मैं बोला कि आपको मैक्सिमम जीरोस बनाना है, और सॉल्यूशन वाला केस इसी में 100000000001100000. देखो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी आ गया, सी हम ऐसा भी तो चूज कर सकते हैं, यानी हमें सी को ऐसा चूज करना है कि सॉल्यूशन मिल भी सके और नहीं भी मिल सके, मींस ऐसा सी मिल रहा है ना, मुद्दे की बात ये ऐसा सी मिलेगा, हाँ मिल रहा। एक चीज और इम्पोर्टेंट, देखो सारी चीजें ये सब थ्योरेटिकली है, जब भी देगा स्टेटमेंट टाइप में देगा, तो जब आप इतना पहले से सोच करके जा रहे हो कि कौन सी चीज कहां पूछेगा, तो वही चीज वहां भी आएगी। मैं ये कह रहा हूं कि यदि a ऑफ x इक्वल टू b है, और b कहां से आ रहा है, कॉलम स्पेस ऑफ a से आ रहा है, b बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ऑफ a। अब इस केस में एक कैसा भी हो, स्क्वायर हो नॉट स्क्वायर हो, ऑलवेज सॉल्यूशन रखेगा, ऑलवेज सॉल्यूशन रखेगा। अब ऑलवेज सॉल्यूशन में दो केस आता है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का कब देखो, यदि ऑलवेज सॉल्यूशन मिल रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन एक ही केस में मिलता है जब रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आ जाए, धरती तस से तहस नहस हो जाए, ब्रह्मा तहस नहस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिक सॉल्यूशन एक ही केस में पॉसिबल है जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए, जब रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी यूनिक सॉल्यूशन का एक ही केस है चाहे कुछ भी हो जाए। क्या केस है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, नो सॉल्यूशन का और इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का एक ही केस है, रैंक ऑफ ए स्ट्रिक्टली लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, और नो सॉल्यूशन का दोनों केस है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन हो जाए फिर भी नो सॉल्यूशन मिल सकता है, और रैंक ऑफ ए लेस देन एन हो जाए फिर भी नो सॉल्यूशन मिल सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, लो रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल हो गया, नो सॉल्यूशन दिख रहा है, और रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल है और यहाँ पर सॉल्यूशन दिख रहा है, सॉरी मैं नो नो सॉल्यूशन का केस लेना है, तो नो नो सॉल्यूशन के लिए क्या बोला, हाँ लेस देन, देखो नो सॉल्यूशन का केस दिख रहा है, यानी नो सॉल्यूशन तब भी पॉसिबल है जब रैंक ऑफ, क्या मैं बोल रहा था, हाँ नो सॉल्यूशन में दोनों केस पॉसिबल है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाए या रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए, दोनों केस में नो सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो दोनों केस पर कंडीशन क्या है ये आपको सोचना होगा, कैसा मैट्रिक्स होगा, रो ज्यादा होंगे कि कॉलम ज्यादा होगा। तो मैं यहां पर आता हूं, वो मैं पिछले क्लास में बतला चुका हूं, यदि बी कॉलम स्पेस से आता है तो ऑलवेज सॉल्यूशन मिलेगा, ऑलवेज में दो केस आता है, यूनिक सॉल्यूशन का और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए तो उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी वो हमें सोचना ही नहीं है, यानी हमें सॉल्व करना ही नहीं है, डायरेक्ट टिक करना। यदि यूनिक सॉल्यूशन बोल दिया, नहीं गलत बोल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन किस केस में, यदि रैंक ऑफ ए बोल दिया, यदि मान लो कि बोल दिया कि ए कोई मैट्रिक्स है, यदि ए कोई मैट्रिक्स है x इक्वल टू सी, ये नो सॉल्यूशन रखता है, ये नो सॉल्यूशन रखता है, x इक्वल टू सी नो सॉल्यूशन रखता है, ठीक है ना, इसके पास नो सॉल्यूशन है। तो a x इक्वल टू b, वेयर b बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ऑफ है, आप सोच करके बतलाना, ठीक है ना, then a x equal to b has नहीं रुको, if b belongs to column space of a, then a of x equal to b has
has infinitely many solution. Second, if B belongs to column space of A, then AX equal to B has unique solution. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है सिंगल चॉइस में? हाँ, अब ये सोचना होगा, यही सोचना था। इसमें नॉन ऑफ दीज होगा ना, ए ट्रू होगा यानी ना फर्स्ट ट्रू होगा नहीं सेकेंड ट्रू होगा, ये हमें सोचना होगा। क्योंकि अभी अभी आपको एग्जांपल दिया ना, देखो तो ये नो सॉल्यूशन का केस है। इस केस में क्या रखेगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रख रहा है ना, कहा गया? हाँ, पहला ना, इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा क्योंकि कॉलम स्पेस से क्या आएगा? बी आएगा ना, कॉलम स्पेस से बी आएगा, तो इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रखेगा, यानी सॉल्यूशन तो हमेशा रखेगा, तो इस केस में इनफाइनाइट होगा। एक केस ये भी तो है, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ तो 1 0 0 1 1 0 1 1 1। इस केस में भी नो सॉल्यूशन है, इस केस में क्या है? नो सॉल्यूशन। यदि कॉलम स्पेस से आएगा तो इस केस में क्या रखेगा? इस केस में यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। क्यों? क्योंकि रैंक ऑफ ए क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल है। तो मेन फोकस कितना किस पर होना चाहिए? रैंक पर होना चाहिए। कि रैंक कैसा मेंशन कर रहा है, रैंक कैसा मेंशन कर रहा है। तो यदि इन जनरल ऐसा लिखता है, इन जनरल लिख रहा है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि ए को स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया तो हम कमेंट 100% करेंगे, क्योंकि यह नो सॉल्यूशन बोल रहा है, इसकी 100% गारंटी है कि रैंक ऑफ ए क्या होगा? स्ट्रिक्टली लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल होगा, 100% गारंटी। यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, यानी जरूरी नहीं है कि रैंक स्ट्रिक्टली लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल होगा, इक्वल भी हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है, जब आप वहां क्वेश्चंस करने जाओगे तो आपको इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। और एग्जाम्पल कैसे सेलेक्ट करना है? एग्जाम्पल आपको वैसे सेलेक्ट करना है कि क्वेश्चंस के कंडीशन को सेटिस्फाई करे और मैक्सिमम एलिमेंट जीरो। यानी याद करने की जरूरत नहीं है, याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आज तक मेरे से याद नहीं हुआ। तो जब भी मुझे बतलाना होता है तो मैं इस सब का हेल्प लेता हूं। आप देखना, मैं कभी भी आपको पढ़ाया हूं कितना, ये 4 to 5 times में या 3 to 4 times में करा चुका हूं, तो मैं हमेशा इस सब का हेल्प लिया हूं, हमेशा ही हेल्प लिया, क्योंकि मैं बैठ करके नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो चीजें फ्लो में आनी चाहिए ना। तो वहां भी आप गए हो, टाइम स्पेंड करने के लिए तो गए नहीं हो, आपसे जल्दी से जल्दी चीजें होनी चाहिए। तो जल्दी से जल्दी कैसे होगा? जब डायरेक्ट 2D point सोचोगे, यानी ऐसे सोचोगे तो हो गया, यानी ना ये सही है और नहीं ये सही है, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। हाँ, अभी अब ऐसा कहेगा कि देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स ए, देयर एग्जिस्ट, देखो अब यहां पर देयर एग्जिस्ट लगा दे, यानी कितना अच्छा क्वेश्चन बना। नहीं, देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स ए सच दैट ए ऑफ एक्स इक्वल टू सी हैज नो सॉल्यूशन। देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स ए सच दैट एक्स इक्वल टू सी हैज नो सॉल्यूशन एंड एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स इक्वल टू बी हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या ये कहना सही है? वेयर बी बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ऑफ ए, क्या ये कहना सही है? हाँ, ये सही है ना, ऐसा तो मैट्रिक्स मिल रहा था ना, क्योंकि देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है। ऐसा कोई भी एक एग्जिस्ट कर दिया तो वो मैंने एग्जिस्ट करा दिया। सी ए हो गया, ए ये हो गया, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 1 1 1। तो ये क्या हो गया? नो सॉल्यूशन हो गया।
तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन है ना, यदि कॉलम स्पेस से आएगा भी तो क्लियर है, मिल गया, यानी ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, देयर एग्जिस्ट ए सच दैट एक्स इक्वल टू सी हैज नो सॉल्यूशन, ऐसा भी स्टेटमेंट नहीं पूछा है, ध्यान देना। आईआईटी गुवाहाटी ने अभी तक इस स्टेटमेंट का, सॉरी, किसी भी आईआईटी ने इस स्टेटमेंट का आज तक कहीं यूज नहीं किया, मैं कहीं नहीं देखा, आप कहीं देखे हो क्या? चलो हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका आएगा, सेम क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत मैं मिर्च मसाला मिला करके ना उसको चटकदार बना दूंगा, ठीक है ना। तो देयर एग्जिस्ट एक्स इक्वल टू सी हैज नो सॉल्यूशन एंड ए ऑफ एक्स इक्वल टू बी हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वेयर बी बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ऑफ ए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ, ये भी ट्रू है। एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, नो सॉल्यूशन है और कॉलम स्पेस से बी आएगा तो क्या मिलेगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। लिख लेना वीवीआई करके।